पावर ट्रैक पर बढ़ता हुआ आपका विश्वास हमें प्रेरित करता है कुछ ज्यादा करें, कुछ एक्स्ट्रा करें, क्योंकि ये दिल मांगे एक्स्ट्रा। पावर हाउस सीरीज के अंदर हमने लॉन्च किया है 434 प्लस, जो आता है दमदार 39 HP श्रेणी के अंदर। इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको प्राप्त होता है 2340 CC का बड़ा इंजन। इसको फ्यूल प्रदान करने के लिए इसमें दिया गया है माइको बॉश का इनलाइन फ्यूल पंप, और फ्यूल पंप को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए साथ में दिया गया है वाटर सेपरेटर। इंजन की कूलिंग सिस्टम को बरकरार रखने के लिए इसमें दिया गया है रिकवरी बोतल, मतलब बाहर से ही आप देख के इसकी कूलेंट लेवल मेंटेन कर सकते हैं। इसमें दिया गया है पावर स्टीयरिंग, विकल्प में SDM मैनुअल स्टीयरिंग भी उपलब्ध है। पावर स्टीयरिंग को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए इसमें दिया गया है सेपरेट ऑयल टैंक। इस ट्रैक्टर की स्टाइलिंग की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको आकर्षक पावर ट्रैक की ब्रांडिंग की गई है, साथ में स्पोर्टी बम्पर की सुविधा भी दी गई है, और बम्पर के ऊपर पावर हाउस की आकर्षक ब्रांडिंग भी। फ्रंट एक्सल की अगर बात करें तो इसके अंदर बॉक्स टाइप हैवी ड्यूटी एक्सल दिया गया है। रात में लंबे समय काम करने के लिए इसमें हैलोजन युक्त क्लियर लेंस हेडलाइट की सुविधा दी गई है। बैटरी बॉक्स की अगर बात करें तो बहुत ही आकर्षक और स्टाइलिश रोबोस्ट बैटरी बॉक्स की सुविधा दिया गया है। चढ़ने उतरने के लिए फुटस्टेप और हैंड होल्ड की सुविधा भी दी गई है। ड्राइवर की कंफर्ट को देखते हुए इसमें डीलक्स ड्राइवर सीट की सुविधा दी गई है, जो आगे पीछे और ऑपरेटर की वेट के हिसाब से इसकी कुशनिंग भी आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें फुली कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स की सुविधा दिया गया है। आगे जाने के लिए 8 गियर, पीछे जाने के लिए 2 गियर। कॉन्स्टेंट मैश की फायदे की अगर बात करें, चलते हुए ट्रैक्टर में आप आसानी से गियर चेंज कर सकते हो बिना कोई आवाज। इसमें सिंगल क्लच की सुविधा दी गई है, ताकि जब ऑपरेटर बार बार क्लच दबाएगा तो उसके पैर नहीं दुखेंगे। जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सुविधा दिया गया है, साथ ही साथ दिन में अलग रात में अलग दिखने वाली बैक पैनल, क्योंकि इसके अंदर LED बैकलाइट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर इंडियाज नंबर 1 Sensi 1 लिफ्ट की सुविधा दिया गया है। इसका मतलब 2 लीवर का हाइड्रोलिक्स। फेंडर की तरफ जो लीवर है इसको पोजीशन लीवर कहते हैं। इससे आप जमीन की ऊपरी भाग में चलने वाले उपकरण जैसे कि रोटावेटर, हैरो या सीट बिल आसानी से चला सकते हो। ड्राइवर की तरफ दिया गया केसरी रंग का लीवर, इसको ड्राफ्ट लीवर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ADDC सेंसिंग उपलब्ध है। इससे आप गहराई में जाके काम करने वाले उपकरण जैसे कि MB प्लो, सब सॉइलर या कल्टीवेटर आसानी से चला सकते हो। और हाँ दोस्तों, इन दोनों लीवर को मिक्स करके भी आप चला सकते हो, जिसको मिक्स या ब्लेंडिंग कंट्रोल भी कहते हैं। इसमें टायर की अगर बात करें तो बड़े 13/6/28 के टायर दिए गए हैं। और इस ट्रैक्टर की बैक एंड की अगर बात करें तो हैवी ड्यूटी बैक एंड दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर बुल पिनियन का इनबोर्ड रिडक्शन की सुविधा दिया गया है विद फ्लैट बैक एंड मल्टी हिच पॉइंट, और कंपनी फिटेड टो हुक की सुविधा दिया गया है, ताकि आप ट्रॉली के साइज के हिसाब से आसानी से एडजस्ट करके चला सकते हो। इसमें तेल में डूबे ब्रेक OIB की सुविधा दी गई है, ताकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी बनाए रखे, साथ ही साथ ब्रेकिंग सिस्टम मेंटेनेंस फ्री रहे। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता की अगर बात करें तो इसमें प्राप्त होता है 1600 kg हैवी ड्यूटी लिफ्ट, ताकि आप भारी से भारी उपकरण आसानी से चला सको। और हाँ दोस्तों, आपके यहाँ मिट्टी हार्ड है, मीडियम है या सॉफ्ट है, उसी प्रकार से टॉपलिंग को लगाने के लिए 3 होल की सुविधा दिया गया है, ताकि आप जमीन के हिसाब से सेंसिंग सिलेक्ट कर सकते हो। इसका फायदा एक जैसी जुताई कम लागत में। इसमें QRC कपलर की सुविधा दी गई है विथ आइसोलेटर नॉब। इस नॉब से आप लॉक करके टिपिंग ट्रॉली को आसानी से एक पोजीशन या ड्राफ्ट लीवर से आसानी से उठा या गिरा भी सकते हो। हम बोलते ही नहीं, लिख के भी देते हैं पूरा का पूरा 5 साल की वारंटी। आखिर में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फीचर बताना चाहूंगा, और उसका नाम है केयर डायरेक्ट 24/7। रखे ख्याल ऐसे बिल्कुल माँ जैसे, क्योंकि एक बटन दबा के आप कंपनी के साथ कभी भी जुड़ सकते हो। तकनीकी जानकारी, सर्विस की बुकिंग या कोई तकनीकी समस्या है ट्रैक्टर में, आप फोन पे ही उसको सुलझा सकते हो। तो देर किस बात की दोस्तों, पावर हाउस का नया 434 प्लस, नजदीकी डीलरशिप पे जाइए और इसका डेमो लीजिए। धन्यवाद।